वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम वो नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनके स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। बाकी हमने स्क्वायर रूट 3 और 4, 5 तक के लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको पहले ही समझा चुके हैं, उनका लिंक यहाँ आपको दिया है। तो सबसे पहले हम पेयरिंग करेंगे होल नंबर्स की, राइट टू लेफ्ट। तो हमारे पास दो पेयर बन गए, एक फर्स्ट पेयर 15 और सेकंड पेयर 1 का, और इधर जो होंगे हम दो दो के पेयर बना लेंगे, ठीक है। अब हम ये जो सेकंड पेयर है उसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहां कितना आ जाएगा 1, तो 1 1 जा 1, और फर्स्ट पेयर में से इस 1 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम जो ये फर्स्ट पेयर है इसको नीचे उतार लेंगे, ठीक है। फर्स्ट डिवाइजर में फर्स्ट क्वेश्चन की जो वैल्यू है उसको एड अप करेंगे, तो 1 + 1 = कितना हो गया 2, या दूसरा मेथड है कि क्वेश्चन का हम डबल कर देंगे, 1 × 2 = 2 आ जाएगा। तो दोनों ही केसेस में हमारे पास 2 आता है। अब यहां हम गैस करेंगे कि हाउ मेनी टाइम्स द डिवाइजर गोज अप टू द 2 डिजिट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तो यहां हम क्या देखते हैं कि अगर हम यहां पर कोई भी वैल्यू रखते हैं, 1 भी रख देते हैं, तो ये 15 से ज्यादा आती है। तो इट मींस हमें क्या करना पड़ेगा, यहां कौन सी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, हमें 0 पुट करना पड़ेगा। अब ये होल नंबर खत्म हो गया तो हम यहां डेसिमल का निशान लगा देंगे, और उसके बाद हम जो नेक्स्ट पेयर है उसको हम नीचे उतार लेंगे रिमाइंडर के पास। अब फिर हम गैस करेंगे कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा, कि अगर हम 2 का टेबल पढ़ते हैं 2 7 = 14 आता है और 2 8 = 16, तो ये ज़्यादा आ जाता है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 7 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 207, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 207 को इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा कितना आ जाता है, 1449। उसको हम थर्ड डिविडेंड के नीचे रखेंगे और इसको हम क्या करेंगे, को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। अब फिर हम नेक्स्ट जो पेयर है उसको नीचे उतार लेंगे रिमाइंडर के पास। थर्ड डिवाइजर 207 में थर्ड क्वेश्चन 7 को हम एड अप करेंगे तो हमारे पास 214 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब फिर हम यहां गैस करेंगे कि जो ये डिवाइजर है वो डिविडेंड, फोर्थ डिविडेंड के हाउ मेनी टाइम्स जाएगा। तो यहां हम देखते हैं 21 2 = 42, 21 3 = 63, तो यहां 51 है, तो मींस ये कितने टाइम्स 21 जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। तो हम यहां भी 2 लिखेंगे और यहां भी 2 लिखेंगे, और फोर्थ डिवाइजर को फोर्थ क्वेश्चन का ये जो 2 आया है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 4284। इसमें हमने एक चीज देखी है कि या तो हम 21 का टेबल पढ़ें या 2 का टेबल पढ़ें, दोनों ही टाइम्स हमारा 2 जा जाता है, ठीक है। 21 2 = 42 और 2 2 = 4, तो मींस ये इससे कम ही आता है। तो अब हम क्या करेंगे, 5100 में से 4284 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 816 आ जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारेंगे, तो इसमें आपने ये देखा कि वो स्टेप बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब फोर्थ डिवाइजर में हम ये जो फोर्थ क्वेश्चन 2 आया उसको एड अप करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2144 आ जाएगा, या हम 1072 को डबल कर दें तो भी हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है, 2144 आ जाती है। कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। अब हम फिर ये गैस करेंगे कि ये कितने टाइम्स जाएगा, उसके लिए या तो हम 2 का टेबल पढ़ें या फिर हम 21 का। तो 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 3 = 6 और 2 4 = 8, तो ये 3 टाइम्स जाएगा। 8 से तो अगर हम करेंगे तो वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, 2 4 = करेंगे। अगर 21 3 = करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो 63 आ गया। अगर 4 से करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 1 = 4, 4 2 =
8, तो 84 यहीं आ जाता है, तो इट मीन्स हम कितने से करेंगे, 3 से करेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ हमारी वैल्यू 3 आ जाएगी। अब फिफ्थ डिवाइज़र को हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो प्रोडक्ट आए उसकी जो वैल्यू हो, प्रोडक्ट की वैल्यू 81600 से कम हो, तो ये हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू मल्टीप्लाई करने से कितनी आ जाती है, 64329। अब हम इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाता है, 17271 आ जाता है। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास आया ऊपर, यही हमारा 115 का स्क्वायर रूट होगा। अगर हमने इसको 2 डिजिट तक निकालना है डेसिमल के, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 10.72 आ जाएगा, क्योंकि ये जो 3 है ये 5 से कम है। अगर 5 से ज़्यादा होता है तो हम यहाँ एक एडअप कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले पेयरिंग करेंगे, तो फर्स्ट पेयर 26 हो गया, और फिर हम लेफ्ट टू राइट पेयरिंग करेंगे, क्योंकि ये होल नंबर्स नहीं हैं। अब हम फर्स्ट पेयर 26 का नियरेस्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 5 5 25, और फर्स्ट पेयर में से हम 25 को सबसेट करेंगे, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। अब हम इसको जो है पेयर को उतार लेंगे, ठीक है, रिमाइंडर के पास। अब फर्स्ट डिवाइजर में ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है इसको एडअप करेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया, 5 प्लस 5 10, या फिर इसका हम डबल कर देंगे क्वेश्चन का, 5 2 10, दोनों मेथड से सेम वैल्यू आती है। अब हम फिर यहाँ गैस करेंगे कि हाउ मेनी टाइम जो ये डिवाइजर है वो इसकी 2 डिजिट तक जाएगा, तो हम देखते हैं 10 1 10 10 2 20, तो 2 जा रखने से यहाँ 20 आ जाए तो वैल्यू ज़्यादा आ जाती, तो हम यहाँ कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। अब चूंकि होल नंबर खत्म हो गया तो डेसिमल से, तो यहाँ डेसिमल भी रख देंगे, ठीक है। तो अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट आएगा इन दोनों से, तो 101 ही आएगा, तो इस प्रोडक्ट को हम सेकंड डिविडेंड के नीचे लिख देंगे। अब हम यह सेकंड डिविडेंड में से इस प्रोडक्ट को सबसेट करेंगे, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास, 39 आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पेयर को उतार लेंगे, इसमें देखो रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है ना। अब सेकंड डिवाइजर में से सेकंड जो क्वेश्चन 1 है इसको एड अप करेंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 102, या फिर हम 51 का डबल कर दें तो भी हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है, 102 आ जाती है। अब हम फिर हम गैस करेंगे कि ये कितने टाइम्स जाएगा, देखो 10 3 जा 30 10 4 जा 40, तो मीन्स यहाँ ये कितने टाइम्स जाना चाहिए, 3 टाइम्स जाना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा दोनों जगहों पर। तो 1023 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3069। इसको थर्ड डिविडेंड के हम नीचे लिख के क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 831 आ जाएगा। फिर अब नेक्स्ट पेयर को हम नीचे उतार लेंगे, थर्ड डिवाइजर में हम थर्ड क्वेश्चन को एड अप करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1026 आ जाएगा, या हम 513 को 2 का डबल कर देंगे, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास 1026 आ जाएगा, दोनों मेथड से आ जाता है हमारा। अब हम फिर गैस करेंगे कि फोर्थ डिवाइजर जो है तो ये कितने टाइम्स डिविडेंड के साथ जाएगा, तो 10 4 जा कितना होता है, 40 हो जाता है, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90, तो मीन्स 10 8 जा 80, मीन्स ये 8 टाइम्स जाना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हमारा यहाँ 8 आ जाएगा दोनों जगह। अब इसको जो है 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है, 82144। इसको फोर्थ डिविडेंड के नीचे लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 956 आ जाएगा। तो इस तरह ये प्रोसेस आगे आप करते जाइए, जितनी दूर तक करना है करते जाइए, रिमाइंडर आता जाएगा, आप सम करते चले जाइए। अब ये जो क्वेश्चन आया है यही हमारा जो है वो स्क्वायर रूट है, तो अगर हमने इसको 2 डिजिट तक निकालना है तो आंसर कितना आ जाएगा, 5.14 आ जाएगा, क्योंकि ये 8 जो है ये 5 से ज़्यादा है, तो एक एडअप हो जाता है, तो आंसर कितना आ जाएगा,
26.4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, 5.14 आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बेनिफिट उठा सके। थैंक्स।